इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि प्रियंका चौरसिया से रिलेटेड मैं आप लोग को दो बम्पर अपडेट देने वाला हूँ, जिसको जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है भाई। और प्रियंका चौरसिया सबकी फेवरेट है, तो इनके लिए तो भाई 2 मिनट का वीडियो आप लोग को वॉच करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, अपना काम कर दिया करिए, मैं तो वहीं आप लोग को सारा अपडेट देने के लिए। पहला अपडेट यह है कि इनकी एक नई सीरीज आई है भाई मिस स्पाइसी OTT पर, जिसका नाम है एक दिलरुबा। और भाई देखिए, बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई आप जाकर इस सीरीज को वॉच करिए, बहुत अच्छा सीन सस्पेंस देखने को मिला है। तो मैं भी गया दौड़कर भाई, कि भाई प्रियंका है तो जाना ही पड़ेगा देखने के लिए। तो भाई जब गया तो 27 मिनट का मतलब सीरीज है पूरा, मेरे को सिर्फ भाई लास्ट का 5 मिनट सही लगा, अगर आपको फैक्ट बताएं तो। भाई शुरू का जो 22 मिनट था 20 मिनट था वो मेरे को सही नहीं लगा, पता ना क्यों ऑडियंस को सही लग रहा है, अब वो लोग जाने। लेकिन मेरे अपना मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे को शुरू का 20 मिनट मज़ा नहीं दिया, लास्ट का थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो आप लोग वॉच कर सकते हैं भाई, आधा घंटा अपना दे सकते हैं, वॉच कर सकते हैं इस सीरीज के ऊपर। दूसरा अपडेट यह है कि प्रियंका चौरसिया 29 मई को एक लाइव इनका आने वाला है मिस स्पाइसी पर ही भाई। 29 मई को रात में 10:30 बजे लाइव आएंगे, वो किस तरह का लाइव होगा ये अभी लेकर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो है, लेकिन भाई देखिए मैं तो नहीं बोलूंगा आप लोगों को जाकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप प्रियंका चौरसिया के जबरा फैन हो तो जाकर देखिएगा, अभी मैं देखा भी नहीं हूं कितना चार्ज ये लोग ले रहे हैं मिस स्पाइसी OTT वाले। लेकिन भाई 29 मई को आने वाली है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो भाई आप लोग देख सकते हैं। मैं सोचा कि दो बम्पर अपडेट तो आप लोग को दे दूं, और वैसे भी प्रियंका का लाइव आप लोग देख रही हैं भाई इनके ऐप पर, भाई नॉर्मल लाइव होता है, सिर्फ बातचीत करती हैं, तो इसी तरह का लाइव होगा वहां पर भी है, थोड़ा मोड़ा जिस तरह सीरीज में देखने को मिलता है उस तरह का हो जाए, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, आपको भी पता है भाई, क्योंकि साहब बोल दिए कि अब ऐसा तो कभी काम करेंगे नहीं जो यशमा पर की थी। तो उसके लिए तो भाई पहले से आप लोग दूर रहिएगा कि ऐसा कुछ होने वाला। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ मेरे भाई।